हेलो। हाँ जी, पूर्व विधायक जी से बात करनी थी। नीरज कुमार गुप्ता, पत्रकार बोल रहा हूँ बागपत से। जी, जी बोलो भाई साहब। विधायक जी बोल रहे हो? जी, हाँ जी बोल रहा हूँ भाई साहब। अच्छा, विधायक जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। विधायक जी, चौधरी अजीत सिंह नहीं रहे, उसको लेकर के आपसे जानना था, क्योंकि आपका काफी लंबा सफर उनके साथ में रहा है, जी बहुत सारी चीजें आपके साथ में रही हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हो इस अवसर पर? जी देखिए, कहना चाहता हूँ कि चौधरी अजीत सिंह का जो निधन है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जी किसानों के लिए अपूर्णीय क्षति है। चौधरी अजीत सिंह बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव के इंसान थे और उनके जाने से जो है जो क्षति हुई है वो किसी भी तरीके से पूर्ति नहीं हो सकती। सर, कोई ऐसा लम्हा, ऐसी कोई वाक्य है जो आपके साथ अजीत सिंह का रहा हो, जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? ऐसे क्या बताऊंगा इसमें को तो एकदम क्योंकि आप उनके जो पिताजी थे, उनके साथ में भी आपका काफी अच्छा तालमेल रहा राजनीतिक तक। हमने तो चौधरी साहब के समझ राजनीति से करती है। अजीत सिंह जी तो बात नहीं आए थे। जी, इसलिए फिर भी आप कुछ, क्या कुछ मतलब एक संदेश, एक मैसेज कहना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं चरण सिंह जी के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, चरण सिंह, उनके रूप में इनको देखा जाता था, अजीत सिंह को। जी। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ लम्हा, क्या यादगार पल जो आप कुछ बताना चाहते हो? यादगार तो यही है कि वो कुल मिलाकर तो ये है कि वो एक अच्छे इंसान थे और जी, लोगों की भलाई चाहते थे और लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र में जो है यहाँ मतलब जनपद जुड़ाव रहा जी, बिल्कुल। और यह है कुल मिला के कि अब ऐसा कोई एकदम कहाँ से याद करूँ जो मतलब ये तो बहुत होत रहे। कोई भी एक ऐसा वाक्य बता दीजिए जब भी आप उनसे मिल बैठे हो, और जब भी आप कोई बात उनसे कर रहे हो, क्योंकि मैं आज जितना जानता हूँ उसके मुताबिक आपका काफी गहरा संबंध उनसे रहा है, तो जी। इस वजह से आपका एक एक शब्द बहुत कीमती है आज उनके लिए, ताकि जनता भी जी जी जाने कि क्या थे क्या अजीत सिंह जी। करें आप। मैं कह रहा हूं कि आपका जुड़ाव उनसे काफी रहा है, और जनता भी जाने कि उन क्या थे अजीत सिंह, क्या मायने रखते थे, अपनी राजनीतिक पकड़ क्या थी।